हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज. और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नोट्स. इन नोट्स को आप अपने इंटर्नशिप सीजन, प्लेसमेंट सीजन, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इंटरव्यूज के लिए यूज कर सकते हैं. या फिर अगर आपके कॉलेज में आप बीटेक बीसीए जैसे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आता है, तो उसके अंदर आप क्विक रिविजन के लिए भी इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं. अब इसमें सबसे पहले बात करें तो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं. हमने शुरुआत से आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग, थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर भी आ जाते हैं. साथ के साथ आपके इंटरव्यू के टाइम पर आपसे कोई बेसिक सा सवाल पूछ लिया जाता है जो इतना हैवीली न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता, और उसमें आपको थोड़े बहुत नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इस फिगर पर आप जो है वो एल्गोरिदम अप्लाई करके दिखाइए. तो इन एल्गोरिदम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ रहे हैं. साथ के साथ क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसी चीज क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब अलग अलग प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में हम सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मेंटेन करते हैं एक सिस्टम के अंदर, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, डेडलॉक्स क्या होते हैं. डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे घर में हमारे भाई बहन होते हैं साथ में और फ्रिज में अगर मैंगो शेक पड़ा है तो दोनों को अगर एक साथ मैंगो शेक पीना है तो दोनों ने ग्लास एक ने नीचे से पकड़ लिया एक ने ऊपर से पकड़ लिया तो दोनों लेने की कोशिश करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा और कोई पीछे नहीं हटेगा. तो उसी सिचुएशन को, वैसी ही टाइप की सिचुएशन अगर कंप्यूटर सिस्टम्स में हो जाती है तो उसे हम डेडलॉक कह देते हैं. अब ऐसी सिस्टम से बचने के प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं अगर ये सिचुएशन हो जाती सिस्टम के अंदर, तो क्या क्या तरीके हैं जब प्रोसेसेस सेम टाइम पर सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है. उसके साथ में बैंकर्स एल्गोरिदम एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, उसके साथ के साथ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, जब हमें नए पेज लोड करने पड़ते हैं मेमोरी के अंदर तो किस तरीके से पुराने वाले पेजेस को वो रिप्लेस करते हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, किस तरीके से एल्गोरिदम्स काम करते हैं. साथ के साथ डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, तो ऐसे ऐसी डिफरेंट टाइप्स की डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कैसे काम कर रही होती है. साथ में इन नोट्स के अंदर हमने एंड में आपको कुछ की टर्म्स दे दिए जो आपको पता होनी चाहिए. कर्नल्स क्या होते हैं, जब हम लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं तो लिनक्स एक्चुअली एक कर्नल होता है, तो इस चीज का क्या मतलब है, क्या वो डेफिनेशन है जो डिफाइन करती है कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में वो डिफरेंसेस क्या होते हैं. हमारी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है एक सिस्टम में, रेड हम किसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क, साथ में लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं. ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनके बारे में अगर पता है और इंटरव्यूअर डायरेक्टली अगर हमसे इंटरव्यू में पूछ लेता है तो हम काफी अच्छे से जवाब दे पाएंगे. तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं. इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे होंगे आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स. इसके साथ साथ प्लेसमेंट या इंटरव्यूज या इंटर्नशिप रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं एंड हम कोशिश करेंगे कि उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एड्रेस करेंगे अगर काफी सारे स्टूडेंट्स के सिमिलर डाउट्स हुए तो. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.